क्या आप जानते हैं कौन सी थी वो पहली भारतीय फिल्म जो चाइना में चाइनीज भाषा मैंडिन में बनाई गई एज ऑफिशियल रीमेक भाई ये फिल्म श्रीलंका में भी सिंगलिक भाषा में बनी और भारत की हर भाषा यानी हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ मलयालम में भी बनी इस फिल्म का सीक्वल भी आया जो सुपर हिट रहा और तो और ये फिल्म हर भाषा में सुपर हिट रही और लोगों ने बहुत पसंद की इस फिल्म का नाम था दृश्यम हिंदी में ये फिल्म दो में रिलीज हुई थी लेकिन ओरिजिनली 2013 में रिलीज हुई एक मलयालम फिल्म थी जिसका नाम था दृश्यम इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अभिनेता मोहनलाल और साथ में थी अभिनेत्री मीना इस फिल्म को 2015 में हिंदी में सबने देखा लेकिन उससे पहले ये फिल्म और भाषाओं में भी बनी थी मलयालम में ये फिल्म सुपरहिट रही और उसके बाद 2014 में यह फिल्म तेलुगु में बनी दृश्यम के नाम से जिसमें हीरो थे वेंकटेश और इनके साथ हीरोइन थी मीना जी हाँ मीना ने ही मलयालम फिल्म में भी किरदार निभाया और तेलुगु फिल्म में भी यही हीरोइन थी 2014 में ही ये फिल्म कन्नड़ा में बनी जिस फिल्म का नाम था दृश्या और इस फिल्म में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सुपरस्टार रविचंद्रन हीरो थे और उनके साथ हीरोइन थी नव्या इसके बाद 2015 में ये फिल्म पाप नासन के नाम से तमिल में भी बनी और फिल्म में मुख्य भूमिका में थे कमल हसन और उनके रियल लाइफ पार्टनर गौतमी गौतमी और कमल हसन ने इस तमिल फिल्म में गजब का अभिनय किया था और उसके बाद आखिर में ये फिल्म बनी हिंदी में जहां पर अजय देवघन थे मुख्य भूमिका में उनके साथ श्रिया सरन थी और तब्बू का खास रोल था एबतौर पुलिस इंस्पेक्टर वही इस पुलिस इंस्पेक्टर के रोल को अलग अलग अभिनेत्रियों ने अलग अलग फिल्मों में निभाया इसके बाद 2017 में फिल्म धर्म युद्ध के नाम से श्रीलंका में बनी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगलीज में लेकिन रिकॉर्ड तो तब बना जब 2019 में विदाउट के नाम से यह फिल्म चाइनीज यानी मैंडरिन भाषा में भी बनाई गई चीप विदाउट अ कहानी थी थाईलैंड के एक परिवार की जो कैसे फंस जाता है अलग अलग फिल्मों में अलग अलग सिचुएशंस बदल जाती है और ये फिल्म हर भाषा में ही सबने बहुत पसंद की और उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल आया हिंदी में ये सीक्वल 2022 में दृश्यम 2 के नाम से रिलीज हुआ जो पहली वाली से भी ज़्यादा हिट रही उससे पहले मलयालम में सीक्वल 2021 में आया था और तेलुगु की फिल्म का भी सीक्वल आ चुका है भाई बाकी भाषाओं में सीक्वल आने बाकी हैं लेकिन कुल मिलाकर दृश्यम की कहानी एकदम ओरिजिनल थी और शायद यही वजह थी कि दृश्यम को हर भाषा में पसंद किया गया एक ओरिजिनल कहानी जानदार एक्टिंग और उसके अलावा एक बहुत अच्छा सस्पेंस इस फिल्म की जान था जो बहुत ही लॉजिकल था और सीधा लोगों के दिलों को हिट किया और शायद यही वजह होगी कि चाइना वालों और श्रीलंका वालों ने इस फिल्म को रीमेक किया ऑफिशियली हाल फिलहाल भारतीय सिनेमा काफी कुछ ओरिजिनल होने लगा है फिर चाहे वो हिंदी फिल्म हो तेलुगु फिल्म हो तमिल फिल्म हो या फिर हो मलयालम फिल्म ये सभी अपनी हट की स्टोरीज के लिए वर्ल्ड वाइड जाने लगे हैं 2024 तो मलयालम फिल्मों के नाम रहेगा क्योंकि इस साल ढेर सारी मलयालम फिल्में आई थी इससे पहले तमिल तेलुगु और कन्नड़ फिल्में अपना कंडंका बचा चुकी हैं जल्दी आएगा दृश्यम का सीक्वल जहां पर कहानी एक बार फिर से लूप लपेटे में उलझने वाली है तो देखना होगा कि इस बार दृश्यम थ्री क्या अपने बाकी दोनों पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाती है और ढेर सारी भाषाओं में बनती है और एक नया कीर्तिमान भारत के लिए स्थापित करती है तो फिल्मी जगत की इन छोटी छोटी अनजानी खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमेशा हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारी कहानियों के साथ